वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन करने वाले हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से इस तकनीक ने फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है और ये मॉडल देश की उन्नत होती टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण भी है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि 27 मार्च को यानी कि पिछले साल 27 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस ताकत को महसूस किया था। इस दिन भारत ने अंतरिक्ष में घूम रहे एक सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस सफलता के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसके पास इस तरीके की तकनीक उपलब्ध है। हालांकि इस तकनीक को पाने में भारत को लगभग पूरा एक दशक लग गया। भारत के अलावा एंटी सैटेलाइट अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास ये तकनीक मौजूद है। ये दो सॉलिड बूस्टर के साथ एक 3-स्टेज सैटेलाइट है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर केवल 2 ऐसी जगह हैं जिसको युद्ध से अलग रखा गया है। इनमें से एक ब्रह्मांड है, दूसरा अंटार्कटिका। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुताबिक स्पेस को किसी भी तरह के युद्ध में शामिल नहीं किया जा सकता। ये वजह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश के सैटेलाइट को नष्ट करने में नहीं किया जा सकता है और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय समझौता का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि ऐसा करना इसलिए भी पड़ गया क्योंकि अब आने वाला जो खतरा है यानी जो एयर थ्रेट है वो अंतरिक्ष से है, तो ऐसे में इसीलिए इस तरीके के हथियार की जरूरत भारत को थी। और अब इसका जो नया मॉडल है वो आप सब देखेंगे कि किस तरीके से इसका नया मॉडल DRDO ने बनाया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। प्राइवेट फर्म यानी कि निजी कंपनी ओशो कॉर्प ने इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 MBT के लिए APU का अनुबंध जीता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने निजी तौर पर ओशो कॉर्प ग्लोबल का चयन रूसी निर्मित T-72 और T-90 युद्धक टैंकों के अपने बेड़े के लिए स्वदेशी तौर पर एक्सिलरी पावर यूनिट यानी कि APU विकसित करने के लिए किया है, जो न केवल मेन इंजन के जीवन को बचाने में मदद करता है बल्कि स्पेसिफिक सिचुएशन यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में तैनात होने पर थर्मल और एकॉस्टिक को कम करने में भी काम करता है। सूत्रों के अनुसार T-72 और T-90 टैंक भारत की मैकेनाइज आर्मी का महत्वपूर्ण आधार है। आपको बता दें कि APU अल्टरनेट सोर्स है टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम का, जो कि बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक स्रोत है। को बता दें कि लड़ाई के मोड में खामोशी के दौरान निगरानी मोड में इसे तैनात किया जा सकता है और प्रशिक्षण के दौरान ये टैंक के मेन इंजन का संरक्षण यानी कि उसकी लाइफ को भी बढ़ाता है। भारतीय सेना ने T-72 और T-90 टैंक्स के लिए ओशो कॉर्प ग्लोबल से 2 यूनिट APU की विकसित करने को कहा है और इन्हें ट्रायल के बाद अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद 3,257 APU बनाए जाएंगे जिसमें 1,657 यूनिट T-90 की होंगी और 1,600 यूनिट पुराने T-72 टैंकों की होगी। भारतीय सेना ने इस प्रोक्योरमेंट के लिए 1,325 करोड़ रुपए रखे हैं। सेना की आवश्यकताओं के अनुसार मेन इंजन बंद होने पर APU को गनर, कमांडर और ड्राइवर की जगह फायर कंट्रोल सिस्टम, रेडियो सेट, आंतरिक संचार प्रणाली, नेविगेशन एड्स और चार्जिंग बैटरी संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। APU एक समय में 6 घंटे के लिए कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही तापमान शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई पर 16,000 फीट तक हो सकता है। APU को माउंट किया जाएगा टैंक के एक्सटीरियर में, साथ ही ये वाटरप्रूफ भी होना चाहिए, करीबन 5 मीटर गहरे पानी में जाने की लायक। अच्छा, आपको बता दें कि इन सभी चीजों को चालू रखने के लिए मेन इंजन को चालू रखना पड़ता है भले ही टैंक स्थिर हो। अगर ये APU सिस्टम भारतीय टैंकों में लग जाता है स्वदेशी तौर पर बनकर, तो इससे टैंकों की स्टील क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि इससे शोर और गर्मी का उत्सर्जन बहुत कम होगा। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि गोरखाओं को लेकर आ रही है। गैर गोरखाओं को उत्तराखंड से गोरखा राइफल में शामिल करने के लिए भारतीय सेना के प्रस्ताव को गोरखा रेजिमेंट में सेवा दे चुके नेपाली बहुल गोरखा बुजुर्गों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से यूनिट की लड़ाई की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गोरखा नाम, नमक और निशान के लिए लड़ाई करते हैं और उनकी आत्मा इस समुदाय में घुल जाती है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर अन्य क्षेत्रों से लोग इस रेजिमेंट में शामिल होंगे तो ये एक बात नहीं होगी। नेपाली गोरखा बुजुर्ग सैनिकों का कहना है कि अन्य रेजिमेंटों में भले ही इस तरीके की प्रक्रिया रही हो लेकिन गोरखाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ है। गोरखा रेजिमेंट में केवल गोरखा सैनिक थे और इस परंपरा को तोड़ना एक अच्छा विचार नहीं है। यदि भारत और नेपाल के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण ऐसा किया जा रहा है तो लोगों को ये याद रखना चाहिए कि संबंध जल्द ही बिगड़ जाएंगे और हमें लगता है कि इन चीजों को भारतीय सेना की एक उग्र रेजिमेंट की प्रेरणा की नीति प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि गैर गोरखाओं को उत्तराखंड में GR में यानी कि गोरखा रेजिमेंट में शामिल करने के कदम को कुछ लोग भारतीय प्रधान सैनिकों के पक्ष में संतुलन साधने के कदम के रूप में देख रहे हैं। सूबेदार मेजर RK थापा ने कहा कि अगर नेपाल से भर्तियों की संख्या कम करने की योजना थी तो सेना को गैर गोरखाओं को शामिल करने की बजाय भारत से ही गोरखाओं की भर्ती पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गोरखा रेजिमेंट में
भारत को जो गढ़वाली सैनिकों को भर्ती करने की प्रक्रिया वो कह रहे हैं वो करनी चाहिए या फिर गोरखाओं के लिए स्पेशली सिर्फ गोरखा जो नेपाल से आते हैं उनकी ही भर्ती करनी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों से निपटने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस वाहन दिए जा रहे हैं ताकि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कम नुकसान हो सके। पुलिस को अगर बख्तरबंद वाहन दिए गए हैं, दूसरी तरफ अब सीआरपीएफ को शेरपा वाहन दिया गया है। सेना को भी इसी प्रकार के वाहन दिए जा रहे हैं ताकि ऑपरेशन में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जा सके। इस वाहन की खासियत है कि यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इसके अंदर आधुनिक हथियार और अन्य उपकरण लगे हुए हैं। ये बख्तरबंद वाहन है जिस पर आईईडी या फिर बारूदी सुरंग धमाके का कोई असर नहीं होता। सीआरपीएफ के आईजी ने कहा कि ये वाहन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कितने वाहन लगाए गए हैं इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन ऑपरेशन में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये वाहन फ्रांस से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब भी आपका सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।